हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द पॉपुलेशन इकोलॉजी बेसिक कंसेप्ट पार्ट फर्स्ट। सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे पॉपुलेशन इकोलॉजी को, यानी कि हम समझेंगे पॉपुलेशन इकोलॉजी किसको कहते हैं। इससे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि पॉपुलेशन किसको कहते हैं। तो पॉपुलेशन किसी भी स्पीशीज़ के जो मेंबर्स हैं, वो अगर एक पर्टिकुलर एरिया में एक ग्रुप बनाकर रहते हैं एक पर्टिकुलर समय में, तो उसको हम क्या कहते हैं, पॉपुलेशन। और पॉपुलेशन इकोलॉजी किसे कहेंगे, पॉपुलेशन इकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ पॉपुलेशंस इन रिलेशन टू द एनवायरनमेंट। अब जो पॉपुलेशन है उसके अगर हम अध्ययन करें किसके संदर्भ में, उसके एनवायरनमेंट के संदर्भ में या उसके वातावरण के संदर्भ में, कि किस तरह से पॉपुलेशन पे वातावरण का डायरेक्टली इनडायरेक्टली असर है, तो उसके रिलेशन को हम क्या कहेंगे, पॉपुलेशन इकोलॉजी। अब किस तरह से एनवायरनमेंट पॉपुलेशन को डिपेंड करता है या असर करता है, इट इंक्लूड्स एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस ऑन पॉपुलेशन डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन एज स्ट्रक्चर एंड वेरिएशंस इन पॉपुलेशन साइज। तो एनवायरनमेंट कैसे असर कर रहा है पॉपुलेशन की घनत्व को, उसके फैलाव को, उसकी एज स्ट्रक्चर, यानी कि किस एज के जंतु एक पॉपुलेशन में ज़्यादा पाए जा रहे हैं या कम पाए जा रहे हैं, और वेरिएशन इन पॉपुलेशन साइज या पॉपुलेशन साइज किस तरह से वेरी कर रही है, वो किस पर डिपेंड करेगा, एनवायरनमेंट के ऊपर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन इकोलॉजी को स्टडी करेंगे हम इस डिफरेंट पॉइंट्स के माध्यम से या डिफरेंट पैरामीटर्स से, या हम कह सकते हैं कि पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहला हमारा है पॉपुलेशन साइज, देन हमारा है पॉपुलेशन डेंसिटी, देन है डिस्पर्शन पैटर्न, फिर है डेमोग्राफिक्स, फिर सर्वाइवरशिप कर्व्स, देन पॉपुलेशन ग्रोथ। नाउ वन बाय वन अब इसको हमारी नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला हमारा जो पॉइंट है वो है पॉपुलेशन साइज। तो पॉपुलेशन साइज यानी कि पॉपुलेशन का आकार किसको कहते हैं, इन पॉपुलेशन जेनेटिक्स एंड पॉपुलेशन इकोलॉजी, पॉपुलेशन साइज इज़ द नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म इन ए पॉपुलेशन। तो सिंपल सी बात है कि पॉपुलेशन साइज़ क्या होगी, एक जो पॉपुलेशन है उसके अंदर जंतुओं की या एनिमल्स या ऑर्गेनिज्म की संख्या कितनी है, वो कहलाती है उसकी साइज़। और इसको हम डिनोट करते हैं जनरली किससे, कैपिटल एन से। तो पॉपुलेशन साइज़ को यानी कि संख्या को हम किससे डिनोट करेंगे, कैपिटल एन से। अब पॉपुलेशन साइज़ को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, या कि पॉपुलेशन साइज़ किस पर निर्भर करती है। तो सबसे पहला है क्रूड बर्थ रेट, दूसरा है क्रूड डेथ रेट, तीसरा है इमिग्रेशन और चौथा है इमिग्रेशन। तो इन चार फैक्टर्स के ऊपर क्या निर्भर करता है, पॉपुलेशन की साइज़। तो सबसे पहला जो हमारा है क्रूड बर्थ रेट, यानी कि बर्थ रेट जिसको हम कहते हैं नेटलिटी। तो नेटलिटी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, द बर्थ रेट विच इज़ द रेशियो ऑफ टोटल लाइव बर्थ टू टोटल पॉपुलेशन इन ए पर्टिकुलर एरिया ओवर ए स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि कितने एक पर्टिकुलर समय में कितनी ऑर्गेनिज्म की या कितने ऑफस्प्रिंग की बर्थ हो रही है, उसको हम डिवाइड करेंगे या उसको गुना करेंगे कि टोटल संख्या पॉपुलेशन की कितनी है, तो इसको हम कहेंगे नेटलिटी। सेम इसका अगर रिवर्स देखिए हम मोर्टलिटी को, तो मोर्टलिटी क्या है, द डेथ रेट, यानी कि कितनी मृत्यु हो रही है एनिमल्स की, उसको हम गुना करेंगे टोटल पॉपुलेशन की संख्या कितनी है। तो द डेथ रेट विच इज़ द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डेथ टू द टोटल पॉपुलेशन, कितनी डेथ हुई है और टोटल पॉपुलेशन कितनी है, उसके रेशियो को हम क्या कहते हैं, मॉर्टेलिटी। और कितनी बर्थ हुई है और पॉपुलेशन कितनी, उसके रेशियो को हम क्या कहते हैं, नेटलिटी। फिर नेक्स्ट हमारा आता है इमिग्रेशन। इमिग्रेशन को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, द नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स मूविंग इनटू एरिया ऑक्यूपाइड बाय द पॉपुलेशन इज कॉल्ड इमिग्रेशन, यानी कि एक पॉपुलेशन पर्टिकुलर एरिया में जिसको हम कह रहे हैं पॉपुलेशन ए, उसके अंदर बाहर से कितने जंतु आके मिक्स हो गए और उनके साथ रहने लगे। तो इस तरह से क्या होगा, जो बाहर से पॉपुलेशन में परमानेंटली आ रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं इमिग्रेंट्स, यानी कि बाहर से आके यहाँ पे बसने वाले, यानी कि जैसे हम कह सकते हैं कि अगर विदेश में रहने वाले कोई आकर इंडिया में बस जाते हैं, तो वो हमारे लिए क्या होगा, इमिग्रेंट हो गए। इसी तरह से जो चौथा है इसमें इमिग्रेशन, द नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स मूविंग आउट ऑफ द एरिया ऑक्यूपाइड बाय द पॉपुलेशन, यानी कि एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन एक एरिया में है, उसके अंदर से कुछ एनिमल्स
अगर परमानेंटली उस पॉपुलेशन को छोड़कर दूसरी जगह पर जाके बस जाएं तो वो क्या कहलाएगा? इमिग्रेशन। अब इस चारों फैक्टर्स में हम बात करें तो अगर ये आपसे पूछा जाए कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से एक पर्टिकुलर समय में पर्टिकुलर एरिया के पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो सकती है, यानी कि आप मान लें कि अगर पॉपुलेशन की संख्या 100 इंडिविजुअल किसी चीज़ के पाए जा रहे हैं, अगर उसकी साइज़ बढ़ती है यानी कि 100 से 200 हो जाते हैं, तो बढ़ने के रीजन्स क्या हैं और उसके डिक्रीज़ होने के रीजन्स क्या हैं? तो बढ़ने के रीजन्स में दो रीज़न है हमारे पास, नेटेलिटी और इमिग्रेशन। नेटेलिटी यानी कि बर्थ ज़्यादा हो रही है, इमिग्रेशन यानी कि जो बाहर के एनिमल्स हैं वो आके उस पॉपुलेशन में रहने लगे, जिसका एग्जाम्पल क्या है? बर्ड माइग्रेशन। फिर आपका आता है पॉपुलेशन रिड्यूस कैसे हो रही है, तो रिड्यूस कैसे हो रही है यानी कि दो कारक से हो रही है। सबसे पहला जो है आपका मॉर्टेलिटी, यानी कि उसमें मृत्यु ज़्यादा हो रही है। मृत्यु ज़्यादा हो रही है वो किस वजह से होती है? एग्जांपल जैसे कि प्रीडेशन, यानी कि उनका शिकार ज़्यादा हो रहा है, तो एनिमल्स क्या हो रहे हैं? ख़त्म हो रहे हैं, तो पॉपुलेशन की साइज़ क्या हो रही है? डिक्रीज़ हो रही है। दूसरा हो गया हमारा इमिग्रेशन। इमिग्रेशन यानी कि कुछ एनिमल्स छोड़ के दूसरी जगह पर चले जाते हैं, तो इस वजह से पॉपुलेशन की साइज़ क्या हो जाती है? डिक्रीज़ हो जाती है। डायग्रामेटिकली अगर हम इस चार फैक्टर्स को देखें तो एक बर्ड की पॉपुलेशन एक एरिया में किस तरह से इफ़ेक्ट करती है इन चार फैक्टर्स से। जैसे कि ये बर्ड की पॉपुलेशन आपको दिख रही है, तो सबसे ऊपर अगर बर्थ है और इमिग्रेंट्स है, तो ये पॉपुलेशन की संख्या को क्या कर रहे हैं? इंक्रीज़ कर रहे हैं। इसी तरह से पॉपुलेशन में कुछ एनिमल्स को क्या खा रहा है, जैसे कि ये ईगल है वो क्या कर रहा है? बर्ड्स को प्रीडेशन कर रहा है, यानी कि उसको खा रहा है, उसकी वजह से इसकी संख्या क्या हो रही है? रिड्यूस हो रही है। दूसरा इमिग्रेशन, यानी कि कुछ इस एनिमल जो क्या कर रहे हैं, इस ग्रुप को छोड़ के परमानेंटली जा रहे हैं, उसकी वजह से इसकी पॉपुलेशन क्या हो रही है? रिड्यूस हो रही है। तो ये हो गया ऑल अबाउट द पॉपुलेशन साइज। अब एक फॉर्मूले से हम देखते हैं कि किस तरह से पॉपुलेशन चेंज को हम किस कैसे एक फॉर्मूले के रूप में देख सकते हैं। तो एक पर्टिकुलर एरिया में अगर 100 जंतु रह रहे हैं, तो उसकी अगर पॉपुलेशन में बदलाव आया, तो एक सटीक रूप से उस बदलाव का रीज़न या हम उसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? तो कैलकुलेट सीधे रूप से हम कैसे कह सकते हैं कि कितने बर्थ हुई है और कितने बाहर से एनिमल्स उसमें इंक्लूड हुए हैं, उसको हम ऐड कर लेंगे, प्लस कर लेंगे, देन उसको हम किससे करेंगे माइनस, कि कितनी मृत्यु हुई है और कितने बाहर चले गए, तो उसका टोटल और इसका टोटल को हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? पॉपुलेशन चेंज, यानी कि पॉपुलेशन में क्या बदलाव आया है, इस चार फैक्टर से हमें पता चलेगा। इस तरह से हम इसकी पॉपुलेशन को साइज़ को स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आ रहा है पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी, डेंसिटी का मतलब होता है घनत्व। तो पॉपुलेशन साइज़ हमने देख ली कि टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल कितने हैं, और डेंसिटी कैसे देखेंगे कि एवरेज नंबर उसकी एनिमल्स का किसके संदर्भ में? पर्टिकुलर एरिया के संदर्भ में। तो पॉपुलेशन डेंसिटी इज़ अ मेजरमेंट ऑफ द नंबर ऑफ पीपल इन एन एरिया। इट इज़ एन एवरेज नंबर। इट इज़ यूजुअली शोन एज द नंबर ऑफ पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर। तो इसमें जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल है, यानी कि जंतुओं की संख्या, हम किसके आधार पर देख रहे हैं? इसके एरिया पे, यानी कि एक स्क्वायर किलोमीटर में कितने एनिमल्स पाए जा रहे हैं, दो स्क्वायर किलोमीटर में कितने एनिमल्स पाए जा रहे हैं। तो ये एक तरह से ओरिजिनल नंबर पता कर सकता है, या डेंसिटी, ये घनत्व कितना है एक पर्टिकुलर एरिया में पॉपुलेशन का, वो हमें बताता है। तो इसका सिंपल रूप से अगर फॉर्मूला देखें तो वो क्या है डेंसिटी का? पॉपुलेशन पर यूनिट एरिया। आप डेंसिटी कैसे काउंट कर सकते हैं हम किसी भी पॉपुलेशन की? तो इसका टोटल काउंट मेथड। तो डायरेक्ट काउंटिंग ऑफ पॉपुलेशन पॉसिबल फॉर फ्यू एनिमल्स। तो एक तो होता है टोटल काउंट के लिए, सबसे पहला जो है डायरेक्ट काउंटिंग ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि हम डायरेक्टली 1, 2, 3, 4, 5 का इस तरह से हम उसको जा के हर एरिया में एक एक करके पॉपुलेशन की गिनती कर लें। इसको कहते हैं हम डायरेक्ट काउंटिंग ऑफ पॉपुलेशन। इसका एग्जांपल जो हमारा है, हमारा ह्यूमन पॉपुलेशन है, यानी कि जो ह्यूमन पॉपुलेशन जो हमारी काउंटिंग होती है वो इसी बेसिस पे होती है। और दूसरा है ट्री इन ए गिवन एरिया। ट्री है तो हम उसको डायरेक्टली जाके काउंट कर सकते हैं कि एक एरिया में कितने ट्री हैं। दूसरा सैम्पलिंग मेथड। तो दूसरा जो होता है सैम्पलिंग मेथड, यानी कि हम रैंडमली सैम्पल करते हैं कि इतने एरिया में हमें इतने जंतु मिले, सैम्पल किया रैंडम, इस एरिया से, इस एरिया से, इस एरिया से हमने पॉपुलेशन गिनती की, उसके आधार पर हमने एवरेज निकाला कि पॉपुलेशन की डेंसिटी इतनी है। तो इसको हम दो ब्रॉड कैटेगरी से हम क्या कर सकते हैं, इसको स्टडी कर सकते हैं।
सबसे पहला है प्लूट बेस्ड मेथड, जिसको हम कहते हैं क्वाड्रेंट मेथड। नेक्स्ट है आपका कैप्चर बेस्ड मेथड। तो जो आपका प्लूट बेस्ड मेथड यानी कि क्वाड्रेंट मेथड है, उसमें हम क्या करते हैं कि अलग अलग क्वाड्रेंट यानी कि क्वाड्रेंट एक स्क्वायर टाइप का स्ट्रक्चर एरिया पर्टिकुलर लेते हैं, उस पर्टिकुलर क्वाड्रेंट में कितने कितने एनिमल्स आए हैं उसको हम जनरली एक फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं। और कैप्चर बेस्ड मेथड ये होता है कि जो बहुत मूवेबल एनिमल्स है, जो कि जैसे कि फिशेज हैं, तो उसको हम क्या करते हैं टैग करते हैं, उनके ऊपर कोई निशान लगाते हैं और उसके बाद उसको छोड़ते हैं, देन उसको वापस कैप्चर करते हैं, पकड़ते हैं। तो ये दो तरीके हैं किसको काउंट करने के, पॉपुलेशन को, डेंसिटी को काउंट करने के। ये आप देख सकते हैं क्वाड्रेट सैंपल मेथड किस तरह से क्वाड्रेट्स बनाए हैं, उसका ये हमने फॉर्मूला लगाया है कि टोटल पॉपुलेशन कितनी होगी, कि एवरेज नंबर ऑफ पर क्वाड्रेट, हर एक क्वाड्रेट का एवरेज नंबर कितना है, और इनटू टोटल क्वाड्रेट, उसको हमने मल्टीप्लाई किया टोटल एरिया कितना है, और डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्वाड्रेट। तो ये एक जनरल मेथड है किसको, क्वाड्रेट सैम्पलिंग मेथड के अकॉर्डिंग। फिर है मार्क रिकैप्चर मेथड, यानी कि कैप्चर मेथड है, जनरली किसके लिए यूज़ होता है, जो कि बहुत मोबाइल एनिमल्स है जैसे कि फिशेज हैं। और ये किसने दिया था, 1819 में सीजी पैटरसन ने दिया था, किसके लिए, एस्टिमेट करने के लिए फिश की अबंडेंस, मछलियाँ कितनी हैं उसके आधार पर, इस तरह से सर्वे वन और सर्वे टू से इन्होंने कैलकुलेट की थी फिश की संख्या। नेक्स्ट आता है हमारा उसका जो पॉइंट है पॉपुलेशन डिस्पर्शन। पॉपुलेशन डिस्पर्शन यानी कि पॉपुलेशन का फैलाव कैसा है, एक पर्टिकुलर एरिया में किस तरह से पॉपुलेशन हमें पाई जा रही है। तो ये तीन तरह से हम इसको स्टडी कर सकते हैं इसका डिस्पर्शन। फर्स्ट है क्लम्प्ड मेथड, दूसरा है रैंडम, और तीसरा यूनिफॉर्म, यानी कि तीन तरह से पॉपुलेशन के अंदर पाए जाने वाले जो एनिमल्स हैं वो हमें मिलते हैं। सबसे पहला है क्लम्प्ड मेथड, क्लम्प्ड मतलब गुच्छन में एक जगह पे एग्रीगेट होके रहते हैं, यानी कि इकट्ठा होके रहते हैं। तो क्लम्प्ड मेथड जो है वो सबसे कॉमन मेथड, कॉमन टाइप है, जिसके अकॉर्डिंगली क्या पॉपुलेशन के अंदर जो एनिमल्स हमें मिलते हैं। तो क्लम्प्ड इज़ अ पैटर्न व्हेन इंडिविजुअल्स आर एग्रीगेटेड इन पैचेस, तो झुंड बना बना के एक पर्टिकुलर जगह पे एनिमल्स क्या रहते हैं, पाए जाते हैं। तो इस तरह की जो पॉपुलेशन है मोस्ट कॉमन है। और ये क्यों मोस्ट कॉमन है, यानी कि मैक्सिमम पॉपुलेशन ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है क्लम्ड है, इसलिए है क्योंकि कुछ एरिया, सम एरिया ऑफ हैबिटेट आर मोर सूटेबल देन अदर्स, यानी कि एक पूरे एरिया में जो जहाँ की पॉपुलेशन पाई जा रही है, तो हो सकता है कि वहाँ का पर्टिकुलर एरिया है रहने लायक हो, जैसे कि जितनी सनलाइट, जितना पानी या जितना भी उनको एरिया में रहने का सपोर्ट मिल रहा है वो उतने एरिया में, तो इस वजह से क्या होंगे वो एनिमल्स वहाँ पे गुच्छे में पाए जाएंगे। दूसरा ये होता है कि जो पेरेंट्स के साथ उनके बच्चे रहते हैं, यानी कि एक फैमिली के रूप में रहते हैं, तो एक पर्टिकुलर एरिया में फैमिलीज क्या होती है, पैचेस में पाई जाएगी। इस तरह से हर एनिमल्स के अंदर जनरली इस तरह की क्लंपिंग होती है, झुंड बना के एक पर्टिकुलर अपनी जगह ऑक्यूपाई कर लेते हैं और वहाँ पर वो पाए जाते हैं। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं इसके अंदर जो वॉल्व्स होते हैं उसके अंदर, ये आप देख रहे हैं इसमें एग्जाम्पल, ये इमेज में आपको ये दिख रहा है, तो ये कैसा है, क्लंपिंग हो रही है, यानी कि अगर हम इसको माने कि ये पूरी पॉपुलेशन साइज है, एरिया है, और किस तरह से एनिमल्स इसमें डिस्पर्स हुए हैं, यानी फैलाव कैसा है, क्लंपिंग में, इस तरह से गुच्छन में पाए जाते हैं। तो इसमें हमने एग्जांपल दिया है कि क्यों जो वॉल्स है वो गुच्छन में पाए जाते हैं, उसके क्या रीजन्स हैं। उसका रीजन्स ये है कि वो एक साथ मिल के ग्रुप में शिकार करते हैं और अपने जो फैमिली के ध्यान रख सकते हैं और एक दूसरे की हेल्प करते हैं। दूसरे टाइप का डिस्पर्शन है वो कैसा है, यूनिफॉर्म डिस्पर्शन। यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा फैलाव। तो एक जैसे डिस्पर्शन जो है वो जनरली हमें किस में मिल रहा है, डेजर्ट लिजार्ड में। दूसरा ये जो एक टाइप के बुशेस हैं उसके अंदर, यानी कि एक जो प्लांट है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, एक जैसा। और जनरली यूनिफॉर्म डिस्पर्शन हम किस में देखते हैं, प्लांट्स में देखते हैं। क्यों पाया जाता है प्लांट्स के अंदर यूनिफॉर्म डिस्पर्शन, क्योंकि प्लांट्स को क्या चाहिए, अपना पर्टिकुलर वाटर चाहिए, सनलाइट चाहिए, न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी चाहिए। अगर वो गुच्छन में एक ही जगह पे पाए जाएंगे तो उनको वो चीज़ का क्या मिलेगा, कमी रहेगी। तो इसलिए वो जनरली प्रेफर करते हैं कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो। दूसरा एग्जांपल यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का आप एनिमल्स में अगर आप देखें तो ये है हमारी बर्ड्स हैं, जिसको हम कहते हैं किंग पेंगविंग्स, जो कि साउथ जॉर्जिया आइलैंड पे, आप साउथ अटलांटिक ओशन के पास दिख रही है। तो किस तरह से इन्होंने यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन अपनाया हुआ, ये इसलिए यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन मेंटेन कर रही है क्योंकि इनका जो नेचर है वो होता है, वो कैसा होता है, झगड़ाड़ू
अग्रेसिव टाइप का होता है, तो आपस में एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा रोकने के लिए अपना एक स्पेस ऑक्यूपाई करती है, और इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन उनमें कैसा पाया जाता है, यूनिफॉर्म। फिर आता है रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन। रैंडम यानी कि कोई स्पेसिफिक पैटर्न नहीं है, या तो यूनिफॉर्म भी हो सकता है, पैचेस में हो सकता है। तो इस टाइप का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा है, लीस्ट कॉमन टाइप का है। ये एग्जांपल आप देख सकते हैं प्लांट के अंदर किस तरह से सीड्स जैसे जैसे रैंडमली अलग अलग जगह पे गिरती हैं, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो जाता है, रैंडम। यानी कि कहीं तो वो पैचेस में दिख रहा है आपको, कहीं कहीं कैसा दिख रहा है, सिंगल, कहीं तो गुच्छन हो गया, कहीं पे सिंगल है। तो ये कैसा डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो फैक्टर अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन, तो इस तरह से जो हमारी पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस किस पे डिपेंड करता है, डेंसिटी इंडिपेंडेंट और डेंसिटी डिपेंडेंट, यानी घनत्व के ऊपर जो निर्भर करता है और घनत्व पे नहीं करता है। यानी कि घनत्व में जो डिपेंडेंट है वो कौन कौन से होंगे, जैसे कि कॉम्पिटिशन, प्रीडेशन, पैरासिटिज्म, इन्फेक्शियस डिजीज। यानी कि एक जगह का डेंसिटी ज़्यादा हो रही है तो उसमें आपस में क्या होगा, कॉम्पिटिशन होगा, एक दूसरे को खाएंगे, प्रिडेशन होगा, उसके बाद क्या होगा, पैरासिटिज्म हो सकता है, परजीविता हो सकती है, और इन्फेक्शियस डिजीज़ हो सकती है। तो ये चारों फैक्टर किस पर, किसको डायरेक्टली निर्भर करेंगे, उसकी पॉपुलेशन की डिस्पर्शन को, फैलाव को, उसकी वजह से वो क्या करेंगे, अलग अलग स्थानों पर फैलेंगे। दूसरा जो है वो पॉपुलेशन इनडिपेंडेंट, यानी कि फ्लड, यानी कि कोई बाढ़ आ जाती है, अनरीजनेबल वेदर इस तरह का चेंज हो जाता है, आग लग जाती है, और पेस्टिसाइड का स्प्रे, वो भी किसको अफेक्ट करता है, पॉपुलेशन की डिस्ट्रीब्यूशन का। नेक्स्ट टॉपिक है इसका हमारा डेमोग्राफी। डेमोग्राफी किसको कहते हैं, तो अगर पॉपुलेशन की जैसे हमने साइज स्टडी कर ली, डेंसिटी स्टडी, डेमोग्राफी क्या होती है, तो डेमोग्राफी अगर हम पॉपुलेशन की को स्टेटिस्टिक्स के लिए अगर हम स्टडी करते हैं तो उसको हम कहते हैं डेमोग्राफी। संख्या के आधार पर अगर हम स्टडी करें पॉपुलेशन को तो उसको कहते हैं डेमोग्राफी। तो डेमोग्राफी इज़ द स्टडी ऑफ द वाइटल स्टेटिस्टिक्स ऑफ ए पॉपुलेशन एंड हाउ दे चेंज ओवर टाइम। तो वाइटल स्टेटिस्टिक यानी कि संख्या क्या है और किस तरह से उसकी वो टाइम से चेंज हो रही है। और टू स्टेटिस्टिक्स दैट आर ऑफ पर्टिकुलर इम्पोर्ट आर ऑफ पॉपुलेशन एज स्ट्रक्चर एंड ए पॉपुलेशन सेक्स रेशियो। तो डेमोग्राफी में हम दो मेन चीज़ें क्या स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं, पॉपुलेशन की एज क्या है और सेक्स रेशियो क्या है। यानी कि ह्यूमन पॉपुलेशन की डेमोग्राफी हम देखते हैं तो हम लोग जब हमारा सेंसस होता है या पॉपुलेशन की काउंटिंग होती है तो हम क्या काउंट करते हैं, मेल फीमेल कितना है, मेल की संख्या कितनी, फीमेल की संख्या कितनी, और एज कितनी, यानी कितने बच्चे हैं, कितने बूढ़े हैं, एक्सेट्रा। सबसे पहला है सेक्स रेशियो, यानी कि मेल फीमेल कितना है, जिसमें प्राइमरी सेक्स रेशियो होता है, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्स रेशियो। फिर हमारा आता है एज स्ट्रक्चर। एज स्ट्रक्चर हम किसको कहते हैं, एज स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि पर्टिकुलर पॉपुलेशन के अंदर किस किस एज के इंडिविजुअल्स पाए जा रहे हैं, यानी कि कितने बच्चे हैं, जवान हैं, बूढ़े हैं, तो ये एज स्ट्रक्चर कहलाता है किसी भी पॉपुलेशन का। तो इसको हम फर्दर स्टडी करते हैं एज स्ट्रक्चर को एक डायग्राम के रूप में, जिसको हम कहते हैं पॉपुलेशन पिरामिड। तो पॉपुलेशन पिरामिड जो आपको यहाँ दिख रहा है, पिरामिड का स्ट्रक्चर, उसको हम स्टडी करने के लिए हम तीन पार्ट में इस पिरामिड को डिवाइड करते हैं। जो सबसे पहला है वो क्या है, प्री रिप्रोडक्टिव, जो सबसे इसके बेस में होगा, देन रिप्रोडक्टिव जो कि बीच का पोर्शन है, और लास्ट है पोस्ट रिप्रोडक्टिव, यानी कि जो सबसे ऊपर का पोर्शन है। तो प्री रिप्रोडक्टिव हम किसको कहते हैं, जिसकी एज कितनी है, 0 से 14 साल के जो बच्चे हैं वो किस में आते हैं, प्री रिप्रोडक्टिव में। फिर 15 से 44 जो किस में आता है, रिप्रोडक्टिव में। और पोस्ट रिप्रोडक्टिव में कौन से मेंबर आते हैं, जो 45 साल से ऊपर के हैं। तो इसके बेसिस पे हम इसको पिरामिड बनाते हैं। तो अब अलग अलग जगह पे पिरामिड किस तरह का हो सकता है, कि हम ये कैसे काउंट करेंगे कि इनकी संख्या कितनी है, यानी कि किसी भी पॉपुलेशन के अंदर प्री रिप्रोडक्टिव की संख्या कितनी है, रिप्रोडक्टिव की संख्या कितनी है, और पोस्ट रिप्रोडक्टिव की संख्या कितनी है, उसके आधार पर उस पॉपुलेशन के बारे में हम निचोड़ निकाल सकते हैं कि ये पॉपुलेशन किस तरह की है, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन है या स्टेबल है या डिक्रीजिंग, यानी कि बढ़ती हुई पॉपुलेशन है या घटती हुई है या फिर स्थिर पॉपुलेशन है। तो ये इस तीन पॉइंट के आधार पर, यानी कि इन तीन एज स्ट्रक्चर के हिसाब से हम इसको बता सकते हैं। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पर तीन तरह के पिरामिड्स हैं। तो सबसे पहला पिरामिड हम देख रहे हैं ये वाला, ये कैसा है, स्ट्रेट पिरामिड है, यानी कि
इसके अंदर सबसे ज़्यादा संख्या वो किसकी है, प्री रिप्रोडक्टिव यानी कि जो यंग वंस हैं, बच्चों की संख्या है। और धीरे धीरे ये संख्या क्या हो रही है, वो जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं तो यानी कि हम देखेंगे जो ओल्ड एज है, ओल्ड स्ट्रक्चर यहाँ पे काफ़ी कम है। तो इस तरह की संख्या या इस तरह की जो पॉपुलेशन वो कैसी होगी, रैपिड ग्रोथ यानी कि बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होने वाली। और इस तरह की जो पॉपुलेशन वो कहाँ मिलती है, डेवलपिंग कंट्रीज़ में, जैसे कि अफ़गानिस्तान है, चाइना है, इंडिया है। तो यहाँ पे बर्थ रेट यानी कि जो जन्म हो रहा है बच्चों का वो काफ़ी ज़्यादा है, और प्री रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन क्या है, बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तो दूसरा नंबर का जो हमारा पिरामिड है वो कैसा है, इसके अंदर हम देख रहे हैं प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव लगभग बराबर है, जबकि पोस्ट काफ़ी कम है, यानी कि लगभग देखा जाए तो सब इक्वल इक्वल है। तो इस तरह की पॉपुलेशन को हम क्या कहेंगे, स्लो ग्रोथ है। और कैसी है ये, स्टेबल। और ये किसकी, किसका एग्जांपल है, डेवलप्ड कंट्रियों का, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट है। फिर हमारा लास्ट वाला आता है तीसरा, इसमें आप देख रहे हैं कि जो बेस पे है सबसे नीचे, यानी कि जो यंग वंस उनकी पॉपुलेशन सबसे कम है। फिर हमारा है रिप्रोडक्टिव, और उसके बाद पोस्ट रिप्रोडक्टिव यानी ओल्ड, उनकी संख्या लगभग बराबर है, यानी कि जिस पॉपुलेशन के अंदर यंग वंस यानी कि बच्चे कम होते जाएंगे तो वह पॉपुलेशन कैसी होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। तो ये एग्जांपल किसका, हमारा इटली का। नेक्स्ट आता है हमारा लाइफ टेबल, यानी कि लाइफ की एक जो टेबल के रूप में अगर हम किसी की एज स्ट्रक्चर को यानी कि ज़िंदगी को बताएं कि ये इसकी किस किस एज के अंदर इसकी लाइफ या डेथ के क्या क्या रीजंस है या क्या क्या संख्या है, तो उसको हम कहेंगे लाइफ टेबल। तो ये एग्जांपल आप देख रहे हैं लाइफ टेबल का, जो कि बनाया गया किसका, एक ग्राउंड स्क्वायरल का, यानी कि जिसको हम कहते हैं बेल्डिंग ग्राउंड स्क्वायरल, यानी कि गिलहरी की लाइफ की। तो सबसे पहले हम इसमें देख रहे हैं एज स्ट्रक्चर, यानी कि 0 से 1 ईयर, 1 से 2 ईयर, 2 से 3 ईयर, इस एज में हमने उसको डिवाइड कर दिया। देन नंबर ऑफ लाइफ कितने हैं स्टार्ट में, बाद में कितने हैं, डेथ कितनी है, डेथ रेट कितनी है, एवरेज लाइफ कितनी है, तो ये सारे जो उसकी लाइफ का पूरा स्टेटिस्टिक्स है उसको हम किस क्या कह रहे हैं, उसकी लाइफ टेबल। सो इस तरह से हमारे 3-4 जो कैरेक्टरिस्टिक मेन पॉपुलेशन इकोलॉजी के वो इस पार्ट में कंप्लीट हुए, और जो बाकी के पॉइंट्स हैं वो हम फर्दर स्टडी करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।